एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह लिखा हुआ है, ठीक है। आइए इसे गुणनफल कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह का हमें गुणनफल करना है। आइए हम बताए, अभी बता रहे थे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि अदर पद का एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो छह का जब इसमें गुणा करते हैं, छह का कितना होगा, छह। छह का हिस्सा खंड करें तो बीच वाले के बराबर हो, तो छह का गुणनफल क्या होता है, हम छह को लिखते हैं, छह को लिख सकते हैं दो गुणे तीन, दो गुणे क्या लिखेंगे तीन, दो तीन क्या होगा छह, और तीन और दो जोड़े कितना होगा पांच, तीन दो जोड़े कितना होगा पांच। अब यहां पर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा तीन एक्स प्लस टू एक्स प्लस छह, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद दो दो पद हम कॉमन बनाएंगे, यहां भी दो पद है और यहां भी दो पद है, इसमें से क्या दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा जी, कॉमन ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों में मिले, तो यहां क्या करेंगे हम, यहां से x का मान लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस तीन, यहां से क्या का मान लेंगे हम दो का मान लेंगे, क्या बचेगा तुम्हारा x और दो तय कितना हो जाएगा छह, ठीक है। आगे ये x प्लस तीन, यहां भी x प्लस तीन, दोनों पद में से कोई एक का मान लेंगे, x प्लस यहां क्या हो जाएगा तीन, बचेगा शेष क्या x बचेगा और यहां दो बचेगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस दो, ठीक। नेक्स्ट अगला ग्रुप कर, ये लिखा हुआ है अगला है y स्क्वायर प्लस फोर वाई नाइन होगा ना, नाइन वाई माइनस छत्तीस। अब इसका गुणनफल करेंगे हम अभी बता रहे थे कि छत्तीस का इसमें क्या करेंगे गुणा करें, छत्तीस से क्या छत्तीस, छत्तीस का ऐसा गुणनफल करें जो बीच वाले के बराबर हो, तो छत्तीस का गुणनफल क्या होता है बारह गुणे तीन, बारह क्या छत्तीस और बारह में से तीन जाएगा कितना बचेगा नाइन बचेगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर और जो जिसका मान बड़ा होगा उसका चिन्ह यहाँ लिखेंगे प्लस बारह वाई, फिर जिसको घटाना होगा घटाने पर बात नहीं छत्तीस, बारह में तीन जाए कितना बचेगा नौ, घटाने का मतलब इसका चिन्ह उल्टा चिन्ह लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे माइनस, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा तीन वाई माइनस छत्तीस। अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों दो दो पद कॉमन बनाएंगे हम, इसमें से वाई कॉमन लेंगे क्या बचेगा वाई प्लस बारह और इसमें से क्या कॉमन होगा माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस कॉमन लेंगे, अब तीन से भी कटेगा और भी तीन से कटेगा तीन कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा वाई और यहाँ क्या बचेगा प्लस, प्लस जो माइनस का माइनस चिन्ह बदल जाता है, यानी यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यह तीन का तीन तीन दुना के छह, देखो यहाँ पर वाई प्लस बारह और यहाँ पे वाई प्लस बारह दोनों में टेक्स ले लेंगे हम, वाई प्लस बारह और दूसरे में कितना हो जाएगा तुम्हारा वाई माइनस थ्री, वाई माइनस थ्री, क्लियर समझ आ गया गुणनखंड। नेक्स्ट ऐड 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 अगला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है के स्क्वायर माइनस, आप देखिए इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पर 102 लिखा हुआ है सॉरी इसका इसमें गुणा करेंगे 102 का जब गुणनखंड करते 102 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 102 हो गया, कितना हो गया 102, 102 का ऐसा गुणनखंड करें जो बीच वाले के बराबर हो, अगर ऐसे सॉल्व पाए जाए बड़ा सॉल्व पाए जाए तो करेंगे क्या, सबसे पहले 102 का गुणनखंड कर लीजिए, ऐसे कटा लीजिए 102 लिखिए और सब कटा लीजिए, दो से कटाएंगे दो पच्चे दस दो इकाई दो, फिर किससे कटाएंगे तीन से कटाएंगे, तीन इकाए तीन तीन सात इक्कीस, इसके बाद कितना हो जाएगा सत्तर, सत्तर से करके। अब देखिए इनका ऐसा गुणनखंड करें जो बीच वाले ग्यारह के बराबर हो, अब देखिए तीन दुना के छह, तीन दुना कितना हो जाएगा जी छह और सत्तर छह का 102, सत्तर छह कितना हो जाएगा जी 102 और सत्रह में से छह जाएगा कितना बचेगा ग्यारह बचेगा, इसका मतलब सत्रह और छह इसका गुणनखंड है, ठीक। अब इसके बाद यहां लिखेंगे के स्क्वायर माइनस सत्रह के, सत्रह सत्रह के देखो आप हम बता चुके थे कि जो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा यहां लिखेंगे और जब घटाना होगा तो ठीक इसका उल्टा चिन्ह लिखेंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का या माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा छह और माइनस 102, यहां तो समझ आ गया क्या। अब आगे देखिए यहां से दो दो पद का कॉमन बनाएंगे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा के माइनस सत्रह और यहां से क्या करेंगे प्लस छह कॉमन लेंगे, जब छह कॉमन लेंगे तो के बचेगा और छह से इसे भाग देंगे तो कितना देगा छह का छह छह सत्तर बयालीस, कोई दिक्कत। अब आइए देखें के माइनस सत्रह और के माइनस सत्रह यहाँ क्या हो जाएगा के माइनस सत्रह और दूसरे में कितना बचेगा के प्लस सिक्स, ठीक समझ आ गया।